महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में गन्ने की कटाई के मौसम यानी अक्टूबर में काफी चहल पहल रहती है। गन्ने की फसल की रोपाई से लेकर कटाई तक के 6 महीनों में यहाँ के खेतों में काफी काम होता है। इस दौरान कोल्हापुर में मराठवाड़ा के इलाके से बड़ी संख्या में भूमिहीन और छोटी जोत वाले किसान आते हैं। ये मौसमी प्रवासी मजदूर हैं जो कोल्हापुर को अपना अस्थायी घर बनाते हैं। गन्ना काटना एक मुश्किल काम है। इसे काटने वाले मजदूर हर दिन करीब 15 घंटे काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें करीब 320 रुपए मजदूरी ही मिलती है। खेतों के आसपास न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न ही साफ सफाई का कोई इंतजाम। गन्ना कटाई का काम काफी मेहनत भरा होता है, लेकिन रोजगार का कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से लोग मजबूरी में इस काम को करते हैं। मराठवाड़ा के बीड जिले में सूखे की स्थिति और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी जमीन पर साल भर खेती नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उन्हें आजीविका के लिए पलायन करना होता है। ज्यादा के कारण अकाल होने के कारण बारिश भी ज्यादा गिरी तो पानी बह के जाता है। तालाब नहीं है, डैम नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसकी वजह से बेरोजगारी ज्यादा होती है। और छोटे छोटे गांव लोग हैं जो पहाड़ी बालाघाट पट्टा बोलते हैं, कोई कंपनी में एमआरडीसी में काम करता है, मुंबई जाके कोई गन्ना काटते, कोई दूसरों के खेत में मजदूरी करता है। इससे आगे एक दो महीने के बाद यहाँ कोई आपको बुड्ढे आदमी से ज्यादा यंग जनरेशन नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, छोटे और बुड्ढे आदमी। गन्ना देश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। कटे हुए गन्ने को चीनी मिलों में ले जाया जाता है, जहाँ इसका रस निकालकर गुड़, मोलासेस, फिल्टर केक और खोई वगैरह बनाया जाता है। गन्ने के रस का प्रयोग चीनी बनाने में किया जाता है, खोई का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है और फिल्टर केक का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गन्ने से निकलने वाले मोलासेस से आमतौर पर इथेनॉल बनाया जाता है। गन्ने से निकलने वाला हर उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट काम में लिया जाता है। हालांकि गन्ना उगाने में भारी मात्रा में पानी लगता है। फसल खेतों में 12 से 15 महीने तक रहती है और प्रति किलोग्राम गन्ने के उत्पादन के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। साल 2021-22 में राज्य ने लगभग 137 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी अधिक गन्ना पैदा करता है। इस उद्योग में भारत में लगभग 5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चलती है। मैं अभी 27 साल से शुगर केन फैक्ट्री को देता हूँ। हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करके यील्ड कुछ तो बढ़ता है, लेकिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है, लेबर बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र का रेट तो दुगना हो गया है, लेकिन जिस रेशो में लेबर, फर्टिलाइज़र रेट और बाकी का जो लगता है खर्चा, तो पूरा बढ़ गया है, ऐसा देखने में आ रहा है और हमारा इकोनॉमिक नहीं बैठ रहा। गन्ने की फसल किसानों को एक गारंटीकृत उचित और लाभकारी मूल्य या FRP प्रदान करती है। यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना मिलने पर किसानों को भुगतान करना पड़ता है। FRP के माध्यम से प्राप्त धन किसानों को गन्ने की खेती की लागत निकालने में मदद करता है।
शुगर केन का रेट बढ़ना चाहिए, FRP बढ़ना चाहिए। आप FRP तो कम से कम वन टाइम में दीजिए, क्यों जो भी हमको साल में लगता है हार्वेस्ट, हमारा क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद एक महीने के बाद हमको उसका पैसा मिलता है, तब तक जो पूरा पैसा डालना पड़ता है हमको कर्जे से ही पैसा डालना पड़ता है, और उसका बैज वो सब वगैरह देख के है ना, हमारे हाथ में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, अभी शुरू है रेट, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचता। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जैसी यूनियनें FRP प्रक्रिया में सुधार के लिए किसानों के समर्थन में आई हैं। FRP दोन टप्प्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो बेकायदेशीर आहे असं मानता त्या सगळ्यांनी हात वर करून या ठरावाला मान्यता द्यावी। सरकार की योजनाओं की ओर देखें तो गन्ने की मांग बढ़ना तय है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने गन्ना आधारित कच्चे माल से निकाले गए इथेनॉल के लिए उच्च कीमत को मंजूरी दी थी। भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में है। आज बीड जिला का पीने का पानी का रेशो देखें, हमारे अभी फरवरी के बाद हमारे बीड जिला में 600 विलेज को टैंकर से पीने को पानी देना पड़ता है। हमारे आज 9 फैक्ट्री है, समझो शुगर फैक्ट्री की 9 फैक्ट्री ने चालू 9 फैक्ट्री ने इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगाया। 600 गांव में जितना टैंकर से पानी पीने को देते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा एक फैक्ट्री को इथेनॉल बनाने के लिए पानी लगेगा। समझो पीने का पानी का रेशो देखो, इधर 9 फैक्ट्री को, एक फैक्ट्री को मैं बोल रहा हूँ, 600 गांव को पानी जब हर दिन पीने को लगता है, उससे तीन गुना ज़्यादा इथेनॉल बनाने के लिए एक फैक्ट्री को लगेगा। और ये सब पानी पीने का जो ये समस्या है उसमें हल नहीं हो सकती। हमारे मराठवाड़ा में तो वो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से पानी के रेशो के हिसाब से, जो अपने पास अवेलेबल जो इतना पानी है उतने हिसाब से इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाना ठीक नहीं है। अभी ये मैं बात बोलूँगा तो किसको सही नहीं लगेंगी कि इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाना अच्छा है। नितिन माननीय नितिन गडकरी साहब अपने मिनिस्टर है, उस खाते के मिनिस्टर हैं, वो भाषण में बोल रहे हैं इथेनॉल लगाना चाहिए, बायो डीजल चलाना चाहिए, बायो वेस्ट से मटेरियल से कुछ करना चाहिए। वो बात सही है उनकी इन्वायरमेंट के लिए, वेस्टेज मटेरियल के लिए, लेकिन उसका पानी का यूज़ तुम कैसा करने, पानी का डेवलप वाटर मैनेजमेंट उसमें कैसा है, ये सरकार कोई भी अभी तक बता ही नहीं है। इथेनॉल कैसे बनाएंगे आप? गन्ना उद्योग कुछ लोगों के लिए फल फूल रहा है, लेकिन सूखे से जूझ रहे क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।